खाद बीज की किल्लत का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जगदलपुर में लैम्स कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं लैम्स कार्यालय को शोपीस बनाकर रख देने की बात कहते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लैम्स कार्यालय में ताला लगाने की कोशिश की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच घंटे भर धक्का मुक्की होती रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री किरण देव ने राज्य सरकार पर किसानों को खाद बीज की आपूर्ति नहीं कर पाने और राज्य सरकार के द्वारा जानबूझकर बिजली कटौती करने का आरोप लगाया। उनको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है पूरे प्रदेश में, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आज क्या स्थिति है किसानों का? आज किसानों को शर्तों के आधार पर खाद दिया जा रहा है लैम्प सोसाइटी में। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लैम्प सोसाइटी में किसानों के